रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सिक्स का टेबल करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि असल में जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन है, रिपीटेड एडिशन, बार बार एक नंबर को जमा करना। जैसे 4 + 4 = 8, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 4 = 8। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास 4 सेट हैं, 3 3 बॉल्स के, तो यानी हम इनको 3 को 4 दफ़ा जमा करने की बजाय 4 × 3 कर लेंगे तो लिखना पढ़ना आसान हो जाएगा। तो व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन, ज़रब क्या है, जमा का शॉर्टकट है, जिससे ये पता चलता है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा जमा किया गया है। अब देखें कि ये है 5 × 5 = 10, तो 5 को हमने 2 दफ़ा जमा किया, तो 2 × 5 = 10। फिर 0 का क्या असूल है कि 0, जिस भी नंबर को 0 से ज़रब दें तो उसका जवाब 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जो नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वो भी 0 हो जाता है। प्यारे बच्चों, हम मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं अपने पैसे की भी, अपनी हर चीज़ की ज़्यादा चाहते हैं, अच्छा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अल्लाह से बिज़नेस करो। अल्लाह नफ़ा ही नफ़ा देता है। अल्लाह ताला कहता है, हर अच्छे काम पर 700 गुना अजर देता हूँ। अच्छा सोचें, अच्छी बातें करें, अच्छे अमाल करें, लोगों से अच्छा सलूक करें, अच्छे अखलाक अपने अंदर लेके आएँ। और ये सारी बातें कैसे पक्की होती हैं, जब हम अल्लाह की हदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं, फिर हम सीधे रस्ते से गुमराह नहीं होते। लेकिन शर्त यह है कि कुरान को समझ कर पढ़ें, ऐसी ज़बान में पढ़ें जिससे समझ आती हो। आज से इसे तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, आएँ प्रैक्टिस करते हैं 6 के टेबल की। इसका बहुत एक आसान सा तरीका है। आप समझें कि एक दीवार है और उस पर हर छठी ईंट गोल है, और इस तरह आप 10 तक ईंटें गोल नंबर लगा लें। तो पहली जो ईंट है उसके ऊपर 6 लिखा है, तो 1 × 6 = 6। अब इस 6 में हमने 6 और जमा कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया 12। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 × 6 = 12। आप देखें कि दूसरी छठी ईंट पे 2 लिखा हुआ है और उसके नीचे 12 है, तो इसका मतलब है कि 2 दफ़ा 6 को जमा करें तो हमारे पास आंसर 12 आएगा। अब आप देखें कि 12 में अगर हम 6 ऐड करें तो इसका आंसर आता है 18। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 × 6 = 18। आपने जो तीसरी गोल ईंट है उसके नीचे 18 है, आप साथ काउंट भी कर लें। तो अगर हम 18 के अंदर 6 और ऐड करें तो ये 24 बन जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 × 6 = 24, यानी आपने 6 को 4 दफ़ा जमा किया तो आपके पास जवाब आ गया 24। ठीक है, उसके बाद अगर आप 24 के अंदर 6 और जमा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 30। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 × 6 = 30, यानी 6 को 5 दफ़ा जमा करें तो हमारे पास जवाब आता है 30। और इसको 5 × 6 = 30, और अगर 30 में हम 6 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 36। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6 × 6 = 36, कि 6 को 6 दफ़ा जमा करें तो हमारे पास 36 आंसर आएगा। अब हम 36 में 6 और ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 42। और 42 जो है 7 × 6 = 42, यानी 6 को 7 टाइम्स जमा करें तो हमें 42 जवाब मिलता है। अब हम इसमें 6 और ऐड करते हैं तो हमारे पास 48 आ जाता है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 × 6 = 48, यानी आप 6 को 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपको 48 या 48 नंबर मिलेगा। अब हम अगर इसमें 6 और ऐड करते हैं तो हमारे पास 54 आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 9 × 6 = 54, यानी
6 को 9 दफा जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54 या 54। अब हम इसके अंदर 6 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 60। तो यानी 6 को अब आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया और 160। तो प्यारे बच्चों, ये 6 की स्किप काउंटिंग है जो है 6 का टेबल, और ये पूरा टेबल है आपके सामने। तो उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, आपको समझ भी आ गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।